टाटा के प्रोडक्ट के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, चाहे वो टाटा मोटर्स हो या टाटा नमक। ऐसे कुल 100 से भी ज्यादा कंपनियां आज टाटा ग्रुप के अंडर हैं, और इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि टाटा आज भारत का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और फेमस कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टाटा कंपनी एक ही दिन में इतनी बड़ी नहीं बनी, इसे इन ऊंचाइयों तक पहुंचने में 200 सालों का वक्त लगा है। आइए जानते हैं भारत की सबसे ओल्डेस्ट बिजनेस फैमिली टाटा के इतने सक्सेसफुल बनने का राज। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 1822 में, जब गुजरात के एक गाँव में नसीरवानजी टाटा का जन्म हुआ, और सिर्फ 20 साल की उम्र में वो अपनी बीवी बच्चों समेत मुंबई आ गए कॉटन ट्रेडिंग में अपनी किस्मत आजमाने। देखते ही देखते नसीरवानजी ने अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस से आने वाले पैसों से इन्होंने अपने बेटे जमशेद जी टाटा को बेस्ट एजुकेशन देने का फैसला किया। जमशेद जी की एजुकेशन पूरी होने के बाद उनके पिता ने साल 1859 में 20 साल की उम्र में उन्हें हांगकांग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए भेज दिया। इस काम में जमशेद जी काफी सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उनमें कुछ कर दिखाने का जज्बा था। अपनी 65 साल की जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में काम किया। इंडिया में बहुत सारी कॉटन मिल्स की शुरुआत की, भारत का सबसे पहला स्टील प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। इसके अलावा भारत का सबसे पहला 5-स्टार होटल बनवाया। ये होटल उस जमाने का पहला ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, और ये होटल था मुंबई का ताज होटल। साल 1961 में अमेरिकन सिविल वॉर की शुरुआत हुई। उस वक्त इंग्लैंड अपना ज्यादातर कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट करता था, लेकिन सिविल वॉर के कारण सप्लाई बंद थी। तब जमशेद जी ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए कॉटन के दाम को दोगुना कर उसे इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया, और अगले 4 सालों तक बहुत प्रॉफिट बनाया। सिविल वॉर खत्म होने के बाद अमेरिका से सप्लाई दोबारा स्टार्ट हो गई, जिसके चलते टाटा को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी जमशेद जी ने हार नहीं मानी और डटे रहे। साल 1874 में जब जमशेद जी ने नागपुर में अपना पहला कॉटन मिल स्टार्ट किया, तब उन्होंने ये नोटिस किया कि यहाँ काम कर रहे वर्कर्स बहुत कामचोर हैं और आए दिन बहाना बनाकर छुट्टी लेते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि जिस दिन सारे वर्कर्स काम पे आए हो। तब जमशेद जी ने उनपे गुस्सा करने की बजाय मजदूरों के लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया, ताकि रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें पेंशन मिल सके। इसके अलावा इंश्योरेंस स्कीम भी लागू की, ताकि इन मजदूरों के साथ हुए किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट का खर्चा कंपनी बियर करे। इन सब के अलावा इन्होंने स्पोर्ट्स डे, फैमिली डे की भी शुरुआत की। साल 1904 में जब जमशेद जी का देहांत हुआ, तब वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जिसकी बराबरी करना इम्पॉसिबल था। साल 1910 तक जमशेद जी के बेटे दोराब जी ने टाटा स्टील प्लांट की शुरुआत की, और इसी वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। ब्रिटिश एम्पायर को काफी भारी मात्रा में स्टील की जरूरत पड़ती है, तब टाटा स्टील ब्रिटिशर्स के टैंक, हथियार, रेलवे लाइन बनाने में स्टील की सप्लाई करता है। साल 1914 आते आते टाटा ग्रुप के अंडर 14 कंपनीज थी। दोराब जी ने टाटा की कमान 1938 तक संभाली, और फिर उनके एक दूर के कजिन जेआरडी टाटा को टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये इंडिया के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट भी थे, और उन्हें फ्लाइंग का काफी पैशन था, जिसके चलते इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की, जिसे बाद में एयर इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ये अनाउंस कर दिया कि इंडिया के सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज को नेशनलाइज किया जाएगा, और गवर्नमेंट ने टाटा एयरलाइंस को भी अपने अंडर ले लिया, जिससे जेआरडी टाटा को बड़ा दुख हुआ। लेकिन शुरू से ही टाटा का ऐसा मानना था कि बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता है। टाटा एयरलाइंस के नेशनलाइज होने के बाद नेहरू ने जेआरडी टाटा को टाटा एयरलाइंस को लीड करने का ऑफर भी दिया, जिसे जेआरडी टाटा ने हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लिया। इसके चलते 70s और 80s के समय टाटा एयरलाइंस को दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस एयरलाइंस माना जाता था। इसके अलावा जेआरडी टाटा ने और भी कई सारी सेक्टर्स में अपने बिजनेस को फैलाना स्टार्ट किया। 1945 में टाटा मोटर्स ने अपना पहला प्रोडक्ट लोकोमोटिव इंजन को बनाया। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की शुरुआत की, जो आज रेलवे के बाद इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, टाटा सॉल्ट, इलेक्ट्रिसिटी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। जेआरडी टाटा ने अपने 52 साल के करियर में टाटा ग्रुप के अंडर 95 कंपनीज एक्वायर कर लिया। इसके बाद टाटा की रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी निल्को के शेयर्स जब 20% से गिरकर 2% पर आ गए, तब इसे बचाने के लिए 1971 में जमशेद जी के एक ग्रैंडसन को बुलाया गया। गाइस, ये शख्स और कोई नहीं बल्कि हमारे चहेते रतन टाटा थे। रतन टाटा ने कहा, रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग बंद करनी होगी और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना होगा, जैसे सैटेलाइट्स, टेलीकॉम वगैरह। और सिर्फ 3 साल के अंदर नेल्को की किस्मत बदल गई और इसके शेयर्स वापस 20% हो गए। लेकिन फिर इसी साल इमरजेंसी घोषित होने के बाद नेल्को के बिजनेस पर काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। लेकिन मैनेजमेंट ने रतन टाटा की कैपेबिलिटी को पहचानते हुए साल 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया। फिर साल 1991 में ही इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया कि इंडिया अब लिबराइज हो रहा है, और इसे देखते हुए रतन टाटा ने टाटा सन्स के ओनर्स को टाटा ग्रुप की सभी सब्सिडियरी में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी को न खरीद पाए। और इसके चलते टाटा ग्रुप का इतना फायदा हुआ कि टाटा ग्रुप ने उल्टा कई इंटरनेशनल कंपनीज को ही अपने अंडर ले लिया।
इंग्लैंड के टेटली टी कंपनी को टाटा ने 12 बिलियन डॉलर में खरीदा। यूरोप की एक स्टील जायंट कंपनी कोरस को टाटा ने 11.3 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। इसके अलावा जैगुअर लैंड रोवर को भी टाटा ने 2.3 बिलियन डॉलर में खरीदा। गाइज, तो ये थी टाटा के इतने सक्सेसफुल बनने की कहानी। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं।